ब्रैकेट नहीं देके डायरेक्ट साइन चेंज कर दे रहा हूँ। प्लस टेन स्क्वायर थीटा बिकम्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस बिकम्स प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस माइनस आर एच एस मीन्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया टू टेन थीटा साइन थीटा, टू टेन थीटा साइन थीटा, दैट इज फोर ऑफ टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आपको मिला एल एच एस का वैल्यू। अब आते हैं हम आर एच एस में। देखिए आर एच एस में आपको चाहिए था फोर रूट ओवर ऑफ एम एन, मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर रूट ओवर ऑफ एम एन। एम का वैल्यू आपको मिला था टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एन, एन का वैल्यू मिला था टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो फोर रूट ओवर ऑफ किस फॉर्म में है, देखिए रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं ले सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फोर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की जगह ले सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल गया, देखिए फोर रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे दोनों टर्म में आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, तो आपको मिल गया वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन इस साइड का, लेजर से आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, पॉज द वीडियो। तो देखिए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं जैसे बता रहा था कि स्पेस का प्रॉब्लम था इसलिए, तो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर का रूट आपको मिल जाएगा साइन, तो आपको फोर मिला था बाहर, इधर आ गया साइन थीटा, और रूट के अंदर आपको मिल गया वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो मिल गया फोर ऑफ साइन थीटा। और इसका अगर मैं एलसीएम ले जाऊँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको मिल गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिल गया फोर साइन थीटा रूट ओवर ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और फोर साइन थीटा रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा, और फोर ऑफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो क्योंकि मैं यहाँ पर एलएचएस अपना मिटा दिया था, तो लेकिन आप देख सकते हैं कि एलएचएस आपको मिल गया रहेगा इक्वल आरएचएस के साथ, हेंस प्रूफ। सो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वन प्लस सेक ए बाय सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस है। देखिए सीबीएसई 11 12 और 13 कंटिन्यूसली तीन साल आया है, तो देखिए ध्यान से इसका दो तरीका है, इधर आप एलएचएस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आरएचएस को ही सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको एलएचएस मिल जाएगा। तो हम दूसरा तरीका में फॉलो करते हैं, हम सिर्फ आरएचएस लेते हैं, और आरएचएस का वैल्यू देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए। तो क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है, मैं बहुत बार लिख चुका हूँ आगे भी वीडियो में, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वन माइनस कॉस ए। तो ये बन गया आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ये मिल गया वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए बाय वन प्लस कॉस ए। तो ये वन प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया वन माइनस कॉस ए, और इस कॉस ए की जगह पे लिख सकता हूँ वन बाय सेक ए। नाउ अगर मैं इसका एलसीएम ले जाऊँ सेक ए का वैल्यू, तो आपको ये मिल गया सेक ए माइनस वन विच इज़ आवर एल एच एस। सो हम यहाँ पे उल्टा करें आर एच एस टू एल एच एस लाएँ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नंबर है, वीडियो बोल दिया मैं गलती से, नेक्स्ट नंबर है टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, सीबीएसई 2013 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से कैसे करना है, एलएचएस में आपको मिल गया टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा,
तो क्या मैं कॉट को टेन में चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि देखिए इसका तरीका तो बहुत सारा है, आप साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, पर टेन में कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ये बन गया टेन थीटा बाय वन माइनस टेन कॉट थीटा, जहाँ पे वन बाय टेन थीटा लिख सकता हूँ मैं, प्लस कॉट के जहाँ पे वन बाय टेन थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो अभी बन गया टेन थीटा बाय, इसका अगर मैं एलसीएम ले जाऊँ टेन थीटा का, तो ये बन गया टेन थीटा माइनस वन प्लस वन बाय टेन थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा। देखिए क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा बाय टेन थीटा माइनस वन प्लस वन बाय टेन थीटा इंटू वन बाय वन माइनस टेन थीटा। तो देखिए ध्यान से अब आपको क्या मिल गया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस वन प्लस वन इंटू वन वन बाय टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। तो अब इसका वैल्यू बन गया, देखिए इसका एलसीएम ले सकता हूँ, कॉमन दोनों में था टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, सॉरी कॉमन था यहाँ पे, कॉमन नहीं है यहाँ पे, टेन थीटा माइनस वन और यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा। तो कॉमन बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एक स्टेप में माइनस कॉमन लेता हूँ, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस वन प्लस वन बाय टेन थीटा, और इसका अगर मैं माइनस वन कॉमन ले जाऊँ तो ये बन गया टेन थीटा माइनस वन। तो अब देखिए और एक स्टेप में ले रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डाइड कर दूंगा। तो अब इसका एलसीएम बन गया आपका, कॉमन था टेन थीटा माइनस वन और इधर था आपका टेन थीटा। तो देखिए जैसे एलसीएम मैं बताता हूँ कैसा होता है, टेन थीटा माइनस वन यहाँ पे था, टेन थीटा माइनस वन छुपा दिया आप, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बिकम्स टेन क्यूब थीटा, और प्लस माइनस माइनस बन चुका है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि प्लस और माइनस में माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम था, तो एक सिर्फ आएगा वन। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, मान सकता हूँ कि टेन का होल क्यूब है और ये वन का होल क्यूब है, तो आपका फॉर्मूला मिल गया आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर हम फॉर्मूला पुट कर दें, ए माइनस बी बिकम्स टेन थीटा माइनस वन इंटू ए स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन प्लस ए बी मीन्स टेन थीटा बाय बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और देखिए आपका हर टर्म के नीचे आपको टेन थीटा मिल गया। तो यहीं पे अगर हम डिवाइड कर दें, ये मिल गया आपको टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा, तो आपको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा। देखिए टेन स्क्वायर और टेन कटा तो आपको मिला सिर्फ टेन थीटा प्लस वन बाय टेन, टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा प्लस टेन बाय टेन कट गया, आपको क्या मिल गया वन, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर 35 नंबर, इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी देन सो डेट पी स्क्वायर माइनस वन बाय पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नंबर ये, देखिए दो बार आ चुका है कंटिन्यूस, पर इसका लॉजिक और इसका ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एलएचएस, एलएचएस तो नहीं, हम इसको कंबाइंडली सॉल्व करेंगे, तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी दिया है हमको गिवन, तो sec को मैं वन बाय cos थीटा और टेन को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू पी, और इसका मैं अगर एलसीएम ले जाऊँ cos थीटा का तो ये मिल गया वन प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको प्रूफ में चाहिए पी स्क्वायर माइनस वन बाय पी स्क्वायर प्लस वन मीन्स पी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर लेने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो ये आपको मिल गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, पी का स्क्वायर बन गया आपका पी स्क्वायर, देखिए ध्यान से इसका होल स्क्वायर लिखा हूँ मैं, तो न्यूमेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लिख दिया हूँ डायरेक्ट, और ये पी का स्क्वायर बन गया पी स्क्वायर। तो अब ये मिल गया आपको वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, जैसे कि आप जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है,
और आपको ये मिल गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। देखिए 1 के जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, एक ही बात। तो अब आपको ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ए प्लस बी, मीन्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल गया 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सॉरी, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा। अब जहाँ पे साइन थीटा उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका साइन थीटा था, इसको इधर रखता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये बन गया पी स्क्वायर साइन थीटा। देखिए माइनस से जाके बन गया प्लस, इधर पहले से पी स्क्वायर था, प्लस 1 जाके बन गया आपका माइनस 1। तो क्या दोनों में मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ? अगर साइन थीटा मैं कॉमन ले जाऊँ तो आपको मिल गया 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये टर्म अगर जाके डिवाइड होगा तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, विच इज दिस वन वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा नंबर है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन 2012 एंड 2013। तो आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, देखिए हम बहुत सारे नंबर कर चुके हैं जिसमें कंटिन्यूस आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एलएचएस में चाहिए था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस मैं खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से। तो एक्स का वैल्यू आपको मिला था ए साइन थीटा प्लस बी।